Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Duty College, University of Allahabad. And this time I am back again at Learning Theories in Educational Psychology, in which I am going to start Kohler's Theory of Learning. Okay, so let's start गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. एक बार गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट पर एक लेक्चर मेरा पहले भी है, आप उसे सुन सकते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, उसके कौन संपादक हुए, प्रवर्तक हुए, कैसे इसमें किस चीज पे इम्पोर्टेंस देते हैं एंड ऑल. तो थोड़ा सा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जान के फिर कोहलर पे जाएंगे. तो वोल्फगैंग कोहलर, वर्दाइमर, कोफ्का एंड लीविन. देखिए, हम लोग वर्दाइमर, कोफ्का और कोहलर तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब इसमें ही ज्यादा नाम इनका लिया जाता है. लिविन को तो हम अलग से भी पढ़ते हैं. तो ये चारों, ऑल फोर ऑफ दीज मेन ओरिजिनली जर्मन, इवेंचुअली सेटल्ड इन अमेरिका, आर द लीडर्स ऑफ व्हाट इज हिस्टोरिकली गेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. यानी कि कोहलर, कोफ्का, वर्दाइमर और लिविन, ये चार व्यक्ति जो ओरिजिनली जर्मन थे और अमेरिका में सेटल्ड थे, ये एक तरीके से गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संप्रदाय के मतलब जनक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं. उसके इस पे इन्होंने विशेष बातें कही हैं. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज द टर्म इनसाइट. जब हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे तो क्या उसमें खासियत है, इनसाइट की बात करता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी कि अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं. इनसाइट टू डिस्क्राइब द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन बाय द लर्नर्स एंड ऑफ हिज इंटेलिजेंस इन रेस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर रिलेशनशिप्स. ये कह रहे हैं कि जो जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो क्या करता है, जो सिचुएशन है उसको इन टोटैलिटी, पूरी होलनेस के साथ परसीव करता है, उसको टुकड़ों में नहीं करता है. और इसका एक अर्थ ये भी निकल के आता है कि होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. यानी कि हम इसका बहुत कॉमन एग्जांपल, कोई भी मशीन है उसको आप टुकड़ों में बांट दीजिए तो उन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वो उनके योग से कुछ और आएगा ना, उससे बड़ा आएगा, मतलब मशीन अब मूवेबल हो जाएगी, चलने लगेगी, फंक्शनेबल हो जाएगी, है ना. तो ये है. एंड ऑफ हिज इंटेलिजेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर रिलेशनशिप्स, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट रिफर्ड टू द लर्निंग प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज इनसाइट लर्निंग टू बी कंट्रास्टेड विद ग्रेजुअल लर्निंग बाय एसोसिएशन. आपको ये समझना होगा कि हम लोग मतलब थॉर्नडाइक की थ्योरी चल रही थी, सब एसोसिएशनिस्ट थे उस वक्त, जो बता रहे थे कि स्टिमुलस से रेस्पॉन्स जुड़ता है तब सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर की बात हो रही थी. उस क्रम में गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है उसमें कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका इंसाइट इन्वॉल्व है, आपका अंतर्दृष्टि इन्वॉल्व है, आपकी ब्रेन की थिंकिंग इन्वॉल्व है. इस इन कंट्रास्टेड और उन लोगों से अलग इन्होंने बताया जो कह रहे थे कि बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ट्रायल एंड एरर करके सीखता है, एसोसिएट करके सीखता है. तो इस तरीके से एक आप ये भी कह सकते हैं कि कॉग्निटिविज्म की तरफ ये पहला कदम था. मैक्स वर्दाइमर इज द फादर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी. कोहलर एंड कोफ्का आर ऑल्सो कंसिडर्ड को फाउंडर्स ऑफ द गेस्टाल्ट थ्योरी. द वर्ड गेस्टाल्ट इन जर्मन लैंग्वेज मीन्स होल, टोटल पैटर्न और कॉन्फिगरेशन. ये चूंकि जर्मन थे ये लोग, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है. और गेस्टाल्ट का आपने हर जगह पढ़ा होगा, ये कोई नई बात नहीं बता रही हूं मैं, कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कोई एकदम एग्जैक्ट वर्ड, हमको वर्ड मीनिंग या सिनोनिम नहीं मिलता है, लेकिन जो एकदम समकक्ष इसके शब्द हैं वो हैं संपूर्ण या एक टोटल पैटर्न या कन्फिग्रेशन. ये शब्द जो हैं वो गेस्टाल्ट के समकालीन, समकक्ष, समतुल्य माने जा सकते हैं. तो क्या बात हुई कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हुए, कोहलर, वर्दाइमर, कोफ्का, लिविन, सभी जर्मन, सबने इनसाइट की बात की, इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस के इन्वॉल्वमेंट की बात की, इन कंट्रास्ट टू एसोसिएशन जैसा कि बात पहले हो रही थी, और गेस्टाल्ट का मतलब होल, टोटल, टोटल पैटर्न या कॉन्फिगरेशन से आप समझ सकते हैं. फिर अब आते हैं कोहलर पे, क्योंकि देखिए आपसे गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी पूछ सकते हैं, कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी पूछ सकते हैं. तो जब लर्निंग थ्योरिस्ट में कोहलर का नाम है तो आप इस तरह से पढ़िए. इन द 1920s वोल्फगैंग कोहलर वाज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ एप्स, एप ना मतलब चिंपैंजी वगैरह, उनका ये उन पर अध्ययन कर रहे थे, उनके व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे. ही वॉज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन विच इनसाइट लर्निंग वॉज ऑब्जर्व इन एनिमल बिहेवियर. ये जो प्रयोग कर रहे थे उसमें इन्होंने जब उन जानवरों पर प्रयोग किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, प्रेक्षण किया कि वो इनसाइट लर्निंग का नमूना पेश करते हैं.
Kohler's experiments demonstrated the role of intelligence and cognitive abilities in higher learning and problem solving situations. Kohler ने अपने experiment में दिखाया कि जो higher learning situations होती हैं, problem solving की जब बात आती है, तो intelligence और cognitive abilities अपना role play करती हैं. He designed some simple experiments that led to the development of one of the first cognitive theories of learning, which he called insight learning. जब इन्होंने अपने experiment किए, तो उसमें इन्होंने पाया और विकसित किया जो सबसे वन ऑफ द फर्स्ट है ना, जो सबसे शुरुआती दौर के कॉग्निटिव थ्योरीज हैं लर्निंग की, वो इन्होंने बताया और इसको इन्होंने इनसाइट लर्निंग का नाम दिया. अच्छा, मैंने इसके एक्सपेरिमेंट आपसे यहाँ नहीं डील कर रही हूँ, आप कोई भी किताब उठाएंगे आपको मिल जाएगा कि जैसे एक चिंपैंजी है, दो तीन एक्सपेरिमेंट है इनके, उसको इन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा है और मान लीजिए कि केला टंगा हुआ है ऊपर, तो और बॉक्सेस रखे, मान लीजिए दो बॉक्सेस हैं, मान लीजिए नहीं रखा ही उन्होंने, दो बॉक्सेस रखे और दो मतलब उसमें, लेकिन ये एक टेक्निक थी, एक ट्रिक थी, एक ट्विस्ट ये था कि एक बॉक्स पे चढ़ के वो नहीं उतार सकता था उन केलों को, ऊंचे थे, दो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के वो उतार सकता था. तो मतलब ये उसने उन्होंने देखा कि वो जो चिंपैंजी है वो ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहा है, बैठा है बैठा है बैठा है और अचानक उसको समझ में आता है, वो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है और चढ़ता है और केले उतार लेता है और खाता है, यानी कि उसको रीइन्फोर्स मिल जाता है, लर्निंग हो गई. यहाँ पे लर्निंग ट्रायल एंड एरर से नहीं हुई. इसी तरह से उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए कि पिंजरे के बाहर कुछ है, चाबी है, कुछ है जिसको उसको उठाना है, पाना है, जो उसका रीइन्फोर्समेंट है, और अंदर उन्होंने कुछ ऐसे रख दिया है जो एक से दूसरी जुड़ सकती है, स्टिक बन सकती है, एक स्टिक से नहीं निकलेगा लेकिन जब जितनी भी उन्होंने अंदर स्टिक डाली है वो सब आपस में जुड़ जाएंगी, तो वो जब बाहर पिंजरे के करेगा तो वो अपनी वांछनीय वस्तु पा सकता है. तो इस तरीके के सभी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स थे, जो एप था, सुल्तान नाम दिया था इन्होंने उसका, वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है. ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपसे नहीं इसमें है. कोहलर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस टर्म इनसाइट टू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ द एप्स. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इनसाइट टर्म यूज किया. कोहलर कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिंपैंजीज एंड ब्रॉट आउट अ बुक मेंटेलिटी ऑफ एप्स इन 1925. देखिए 2024 चल रहा है, लगभग 100 साल हो गए है ना, इन्होंने मेंटेलिटी ऑफ एप्स नाम से एक किताब लिखी जब इन्होंने चिंपैंजीज पे अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिया. उसके बाद Kohler's gestalt psychology represents a type of learning theory that proposes the mind perceives section of information as a whole. इन्होंने पाया, अपनी थ्योरी में लिखा, प्रपोज किया, प्रतिपादित किया कि जो मनुष्य का, सॉरी एप्स पे ये कर रहे थे, जो माइंड है हमारा एनिमल का, वो सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं बल्कि होलनेस को परसीव करता है. हिज थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द परसेप्शन ऑफ ए सॉल्यूशन. और इनकी थ्योरी ने सजेस्ट किया कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो सॉल्यूशन को परसीव टोटैलिटी में, प्रॉब्लम को टोटैलिटी में परसीव करती है और उसका सॉल्यूशन सोचती है. कोहलर्स थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग इज एंगेज्ड एज एन अर्ली प्रोपोजिशन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्रिहेंशन और एजम्पशन इन द लर्निंग प्रोसेसेस. तो ये शुरुआती दौर की ये वो थ्योरी है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, एजम्पशन, ये सब शब्द लर्निंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हुए. अब देखते हैं इनसाइट क्या है. बार बार हम कह रहे हैं इनसाइट इनसाइट, उसको इनसाइट मिल जाती है, उसको सूझ मिल जाती है, उसको अंतर्दृष्टि मिल जाती है. तो इसके कई डेफिनेशंस हैं जिससे आप इसे बेहतर समझ सकते हैं. निकी ने 2003 में डिफाइन किया है कि इनसाइट इज द री ओरिएंटेशन ऑफ वंस थिंकिंग. हमारी थिंकिंग का री ओरिएंटेशन है, मतलब पुनः वो उन्मुख हो रही है हमारे अंदर, इंक्लूडिंग ब्रेकिंग ऑफ द अनवॉरेंटेड फिक्सेशन एंड फॉर्मिंग ऑफ नोवेल टास्क रिलेटेड एसोसिएशन अमंग द ओल्ड नोट्स ऑफ कंसेप्ट्स और कॉग्निटिव स्किल्स. यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं हमारे दिमाग में, उनके जो नोट्स हैं, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनका एक नया, एकदम नोवेल, एक टास्क रिलेटेड एसोसिएशन बन जा रहा है और जो हम अपने थिंकिंग को रीओरियंट कर ले रहे हैं. फिर टोपलिंस्की एंड रेबर कहते हैं कि इनसाइट इज एन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग और सबसीक्वेंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट्स इन विच प्रॉब्लम रिलेटेड कंटेंट कम्स टू माइंड with sudden ease and provides a feeling of pleasure, the belief that the solution is true and confidence in this belief. In this definition, insight is a set of metacognitive feelings of ease, pleasure, accuracy and confidence that can accompany memory retrieval during problem solving. ये कह रहे हैं कि जो insight है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, मतलब जैसे इनके कहने का मतलब कि सूझ गया है, आप तो हमेशा उस प्रॉब्लम पे नहीं बात कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है तो आपको सडन ईज कितना लगता है, फील गुड कि अरे वाह हमको प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, हमको एक खुशी होती है, खुशी की फीलिंग आती है, एक ये विश्वास होता है कि सलूशन का जो प्रॉब्लम का सलूशन हमने ढूंढा है वो सही है, हमें विश्वास आता है. ये सारी बातें इन्होंने
की कि यही इनसाइट है। उसी तरह से ओलिंगर जोन्स एंड नोब्लिक कहते हैं कि इनसाइट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीक्वेंस दैट हैपेंस व्हेन अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूजिंग कन्वेंशनल स्टेप वाइज मेथड्स एंड द प्रॉब्लम सॉल्वर सडनली रियलाइजेस दैट इट्स सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अनकन्वेंशनल मेथड्स। मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो कन्वेंशनल मेथड से उस प्रॉब्लम को का हल नहीं निकाल पा रहा है और ना ही हम चरणबद्ध जाएंगे जैसे कि हमेशा हमको बताया जाता रहा। अचानक से उसको ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि इस तरह से अनकन्वेंशनल मेथड से अगर हम जाएं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। गिलहुली कहते हैं कि इनसाइट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन वेयर विद इन द टिपिकली डिराइव्ड इनिशियल प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन द गोल कैन नॉट बी रीच्ड एंड अ रीस्ट्रक्चर्ड गोल रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारे जिस तरह से मतलब वही कहने का मतलब जैसे पिछली डेफिनेशन में कहा गया है कि ट्रेडिशनल चीज नहीं चलेगी, आपको कुछ रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने गोल को रिप्रेजेंटेशन को, तब आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस वन कैन सी कॉमन थीम्स अंडरलाइंग द कांसेप्ट ऑफ इनसाइट सच एज सडननेस। खासियत क्या है इसमें, अचानक होगा। रीस्ट्रक्चरिंग जो पहला नोड है आपको उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीओरियंट करना पड़ेगा और फिक्सेट करना पड़ेगा उनको जो सही दिशा में काम कर रहे हैं। जो गलत दिशा में काम कर रहे हैं मतलब कि आप उसको हटा देंगे और डिफिकल्टी को दूर कर देंगे, है ना। अब ये तो बात हो गई गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, कोहलर की, इनसाइट की, और अब बात करेंगे इनसाइट लर्निंग। इनसाइट तो उन्होंने इस्तेमाल किया कि एप ने क्या फील किया, उसको इनसाइट किया कि जो कन्वेंशनल मेथड है उससे काम नहीं चल रहा था, अचानक से सडनली हमको कोई अनकन्वेंशनल मेथड हमारे दिमाग में सूझता है और वो काम भी कर जाता है। इनसाइट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन थ्रू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम रादर देन थ्रू ट्रायल एंड एरर। मतलब ट्रायल एंड एरर का ये विरोध करते हैं, कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऐसे नहीं सीखता है कि बार बार करे, गलती करे, फिर सुधार करे, फिर गलती करे। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसको अचानक से ये सूझ आती है कि जो वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम है उनके रिलेशनशिप को जैसे ही वो समझ आता है अचानक से उसका सोल्यूशन उसको आ जाता है। द थियरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। इट इज द एब्रप्ट रियलाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम सोल्यूशन। तुरंत आपको मिलता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इनसाइट लर्निंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर, और ये ट्रायल एंड एरर से नहीं निकल के आता है। रेस्पॉन्डिंग टू एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस और द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। इट इज ए कम्प्लीटली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस, है ना। ये थ्योरी कॉग्निशन पे बल देती है क्योंकि जो भी आपको इनसाइट मिलेगा वो आपको कॉग्निशन से ही मिलेगा। द एबिलिटी टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इंटरनली इन द माइंड साई। मतलब दिमाग की आंख खुली हुई है, हमारी आंख बंद भी हो गई है, तो कहने का मतलब कि आप सोते वक्त भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अनकॉन्शियसली पा लेते हैं। कभी कभी अचानक से हम उठते हैं और हमें लगता है कि अरे इस प्रॉब्लम का तो ये सॉल्यूशन है। सो टू स्पीक बिफोर इनिशिएटिंग ए बिहेवियरल रिस्पॉन्स इट अकर्स सडनली। When, ये अचानक होता है हमेशा when people discover new relationships in their prior knowledge as a result of reasoning or problem solving processes described by the Gestalt psychologists. It is a theory regarding perception. ये perception का सिद्धांत है। देखिए आप जो पिछला वीडियो इसका देखेंगे तो पूरा perception पे मैंने आपको बताया कौन कौन से इसमें laws लगते हैं, law of similarity, law of prevalence, ये सारे उसी में मिलेंगे आपको। गेस्टाल्टिस्ट्स कंसीडर लर्निंग एज द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है, इनसाइट का डेवलपमेंट, अंतर्दृष्टि का विकास, विच इज प्राइमरीली कंसर्न विद द नेचर ऑफ परसेप्शन, और इसका मुख्य लेना देना परसेप्शन से है। परसेप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंटरप्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेस सेंसेशन टू प्रोड्यूस ए मीनिंगफुल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमको जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, सेंसेशन मिलता है, उसको ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करके दुनिया को एक मीनिंगफुल तरीके से समझना ही परसेप्शन है। अब इनसाइट लर्निंग के स्टेजेस हैं, कुछ स्टेजेस है भाई, कैसे बैठे बैठे कैसे सूझ आपको अचानक आएगी। तो पहले प्रिपरेशन करता है, मतलब आपका दिमाग जो प्रॉब्लम है उसके लिए डेटा कलेक्शन करता रहता है कि क्या तैयारी है। फिर इंक्यूबेशन, फिर वो थोड़ा इंक्यूबेशन के स्टेज में चला जाता है, मतलब वो प्रॉब्लम पुट ऑन होल्ड। कभी कभी सोचते 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 हम थक जाते हैं, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता और अचानक मिल जाता है, तो हमको समस्या को कभी कभी होल्ड पे रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली आपका दिमाग उस पर काम करता रहता है। फिर आपको मिलती है इनसाइट, सडनली देयर इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, और अचानक आपका दिमाग आपको उत्तर दे देता है कि ये इसकी इसका समाधान है, और फिर आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं, सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज वर्केबल और नॉट। इनसाइट लर्निंग के कुछ फैक्टर्स भी हैं, कौन कारक हैं जो इनसाइट लर्निंग को प्रभावित करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि इनसाइट लर्निंग को कुछ अगर बढ़ावा देना चाहें तो कैसे क्या करें। एक्सपीरियंस काउंट होगा, व्यक्ति को इंटेलिजेंस उसके पास एक होनी चाहिए, विदाउट इंटेलिजेंस कॉग्निशन और इनसाइट कैन नॉट बी वर्क। लर्निंग सिचुएशन उसको ऐसी प्रोवाइड करें ना, जैसे
कि हाँ उसको सोचना हो, कोई सोचने के लिए आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं, कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं दे रहे हैं, तो इनसाइट लर्निंग नहीं होगी। इनिशियल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। जब एक बार आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर आप बार बार उस काम को करते हैं और फिर आप जो लर्निंग है मतलब जो निकल के आएगा थ्योरी है, जो आउटकम है, उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। फिर इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या, इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। पहली बात ये कि हम होल टू पार्ट चलेंगे, है ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलेंगे, यानी कि सब कुछ समय के तरीके से पढ़ाएंगे। व्हाइल प्लानिंग करिकुलम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। हमको गेस्टाल्ट के जो नियम है उनका ध्यान रखना चाहिए जब हम पाठ्यक्रम की योजना बनाएं। ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द मेयर कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड फैक्ट्स। जो भी पर्टिकुलर हमारा विषय है उसको हमको ये नहीं मानना चाहिए कि बस कुछ विलगित एकदम एक दूसरे से पृथक तथ्यों का वो कलेक्शन है, नहीं, उसमें आपस में भी कोहेशन होना चाहिए, वो आपस में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इट शैल बी क्लोजली इंटीग्रेटेड इनटू ए होल, और ये वो एक संपूर्णता की तरफ जुड़ाव उसका होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इसमें मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस की बात की गई है इस थ्योरी में। इम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझ पे बात करता है, समझ पे बल देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तभी तो आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो आपके पूर्व अनुभव है उनको भी महत्ता यही है। इसके अलावा क्या क्या है, गोल ओरिएंटेशन, हमारे पास प्रॉब्लम है और हमारा गोल क्या है, उस प्रॉब्लम को दूर करना। प्रॉब्लम एज ए होल, हमको ये सिखाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि प्रॉब्लम एज ए होल, चाइल्ड एज ए होल, चाइल्ड भी एज अ होल है। ऐसा नहीं कि आप, हम लोग जो करते हैं ना टाइम टेबल, खासतौर से छोटे बच्चों का, बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, अचानक से घंटी बज गई, हिंदी की कॉपी बंद करिए, इंग्लिश की कॉपी निकालिए। इतनी जल्दी माइंड स्विच ओवर नहीं होता है हिंदी से इंग्लिश में। हो सकता है कि इंग्लिश के पूरे पीरियड में बच्चा हिंदी की ही कॉपी में हो, है ना। तो चाइल्ड भी एक होल पर्सनैलिटी, वो टुकड़ों में टूटा हुआ बटा हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की भी बात करता है ये कि आपने जो सीखा है उसको आप दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैकल्टीज, इम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग एंड यूजफुल फॉर साइंटिफिक इन्वेंशन। देखिए जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं वो अचानक सूझ से ही होते हैं, ट्रायल एंड एरर से नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, और अचानक वैज्ञानिक को समझ में आता है कि अच्छा ये इस तरह से करें तो हो जाएगा, और वो हो भी जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये सारे इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटी सी थ्योरी, मतलब बहुत ज्यादा आपको इसमें याद नहीं करना है, लेकिन कोहलर का सूझ का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। कभी गेस्टाल्ट के नाम से पूछ रहे हैं, कभी कोहलर के नाम से पूछ रहे हैं, परसेप्शन का क्या रोल है, होलनेस की क्या बात है, है ना, इनसाइट किसको कहेंगे, इनसाइट लर्निंग किसको कहेंगे, ट्रायल एंड एरर से कैसे अलग है, एसोसिएशनिज्म से कैसे अलग है, क्यों ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरीज है, इन सब के उत्तर आई थिंक आपको मिल गए होंगे। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी थ्योरी 2। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।